हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवर ब्लॉग। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एजुकेशनल है और आज का जो ब्लॉग है वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर है। तो सोचा कि थोड़ा इस पर आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज डायमीटर नापने के लिए होता है। किसी भी छोटी चीज़ का जिसे हम नॉर्मल स्केल से नहीं नाप सकते हैं तो वर्नियर कैलिपर का यूज़ हम वहाँ कर सकते हैं। और ये इसका इस्तेमाल करना हर साइंस के स्टूडेंट को आना चाहिए। और जो आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा या जो बीटेक में है और या जो 11th 12th में है, जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, उन्हें भी इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर आज हमारा वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं, बताते हैं। दोस्तों, ये वर्नियर कैलिपर्स है और इसके बारे में बता दूं, ये दोस्तों जो नीचे का हिस्सा है, ये जो नीचे वाला जार है, इससे आउटर डाया नापते हैं यानी बाहरी डायमीटर किसी भी चीज़ का। और जो ऊपर का है, इससे जो ऊपर वाला जार है, इससे इनर डायर नापते हैं। और दोस्तों, ये जो है मेन स्केल इसे कहते हैं, ये इसे मेन स्केल कहते हैं। ये जो स्लाइड हो रहा है, ये इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। और यहाँ वर्नियर स्केल के ऊपर ये इसका ये जो ये वर्नियर स्केल के पास जो लिखा हुआ है, इसे लिस्ट काउंट कहते हैं। हाँ, और ये जो है किसी भी वस्तु का गहराई नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो किसी भी चीज़ अंदर डेप्थ नापने का यूज़ इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये टाइट करने के लिए होता है। अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ फंसा के उसको फिर वहाँ टाइट करना, ताकि ये एडजस्ट हो जाए हिले डुले ना। तो दोस्तों, इसका मैं आपको फार्मूला होता है वो फार्मूला बताऊँगा, इस्तेमाल कैसे करते वही बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। ये मैं फार्मूला बताता हूँ कि वर्नियर कैलिपर से कैसे रीडिंग निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है। तो उसका फार्मूला ये है कि मेन स्केल की रीडिंग पहले निकालते हैं, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालते हैं, और वर्नियर स्केल की रीडिंग में लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करके और ऐड करते हैं। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला ये होता है कि जो सब स्मॉलेस्ट डिवीजन वैल्यू ऑफ मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो डिवीजन है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू अपॉन टोटल डिवीजन नंबर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में जितने डिवीजन नंबर हैं उनकी कुल संख्या से भाग दे देते हैं, तो लिस्ट काउंट निकल जाता है। तो चलिए, मैं पहले आपको इसका लिस्ट काउंट निकाल के दिखाता हूँ। पहले जब भी वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे तो पहले हम इसको मिला लेंगे इसे और देखेंगे कि इस मेन स्केल के जीरो और वर्नियर कैलिपर्स के जो पहला डिवीज़न है आपस में मैच होना चाहिए। तो अगर मैच हो रहा है तो कोई जीरो एरर है, ये हम देख लेते हैं पहले। उसके बाद हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट में निकालने का ये फार्मूला है, स्मॉलेस्ट डिवीजन वैल्यू ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन वैल्यू है 1 mm, क्योंकि सबसे कम वैल्यू जो इसकी एक डिवीज़न की है वो 1 mm है। तो 1 mm हो गया, 1 mm हो गया, ठीक। और टोटल डिवीज़न नंबर हो गया आपका वर्नियर कैलिपर पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 है, हाँ, तो ये अपन 10 तो हो गया इसका आपका 0.10। ये इसका लिस्ट काउंट है, इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है। तो दोस्तों, इसका लिस्ट काउंट है 0.10 mm। तो आइए हम चलते हैं, पहले डायल नापते हैं, किसी मेजरमेंट करते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे ये मार्कर पेन ले लेते हैं और इसका हम मोटाई या कह सकते हैं आप इसका एक डायमीटर हम इससे मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आउटर जाम में मैंने इसको फंसा दिया है और इसको हम टाइट कर देंगे ताकि ये एडजस्ट हो जाए हिले डुले ना।
अब देखते हैं नापते हैं क्या आता है। दोस्तों मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग निकालने का ये फार्मूला है कि वर्नियर कैलिपर्स की पहली जो डिवीजन नंबर है उससे कहाँ मेन स्केल का मैच करता है, मेन स्केल की कौन सा नंबर इससे मैच करता है। तो आप देख सकते हैं पहली जो रीडिंग है 1.5 से मैच कर रही है। ये आप देख सकते हैं पहली डिवीजन नंबर जो है मेन स्केल के जिस नंबर से मैच कर रही है वो 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर जो है ये सेंटीमीटर में है, तो 1.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हो गया 15 mm में निकालेंगे हम, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे हम। तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का ये है कि जहाँ पे इसकी जो लाइन है वर्नियर स्केल की लाइन है मेन स्केल जिस लाइन से कॉन्साइड होगा तो वहाँ से उसके दाहिनी तरफ जितनी लाइनें होगी उन्हें गिन लेंगे। तो हम देखते हैं, थोड़ा बारीकी वाला काम है। आप देखेंगे कि ये नंबर जो है 2.3 सेंटीमीटर जो मेन स्केल का है उससे नीचे वाली लाइन मैच कर रही है। तो इसके हम इधर बाएं साइड जितने नंबर है उन्हें गिन लेंगे, जितनी लाइन है उन्हें गिन लेंगे हम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, 9 इंटू लिस्ट काउंट इसका है 0.10। तो हो गया आपका 15.09 हो गया। तो 15.9 mm इसका डाया है, इस मार्कर का डाया 15.9 mm आ गया। तो दोस्तों ये जो तरीका है ये फार्मूला और इस तरीके से हम निकालते हैं, पहले मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं। मेन स्केल रीडिंग निकालने का ये है कि वर्नियर स्केल की जो पहली लाइन है मेन स्केल की जिस नंबर से कॉइंसाइड हो रही है वहाँ वो पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे वो मैच कर रहा है। फिर उसके बाद से वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने का ये है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की जिस लाइन से कॉइंसाइड हो रही है, तो उस लाइन के बाएं साइड में उस सारी लाइनों को गिन लेते हैं और फिर उनको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो हमारा मेजरमेंट निकल आता है। तो ये तरीका था वर्नियर स्केल का यूज़ करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर आप लोग कुछ सीखे होंगे वर्नियर कैलिपर से इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे हम इसका फार्मूला यूज़ करते हैं और कैसे हम किसी चीज़ का डायल नाप सकते हैं वर्नियर कैलिपर से जो नॉर्मल स्केल से नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके सब्सक्राइब से लाइक शेयर से हम हौसला मिलेगा और आगे भी ब्लॉग बनाते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों अलविदा।